वेलकम बैक एवरी वन सो टूडे लेक्चर इज अबाउट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर चुके हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अब आती है बारी इसकी हाफ़ लाइफ के बारे में देखो हाफ़ लाइफ वैसे भी आपको पहले बताया गया है जब आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी थी कि हाफ़ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ़ से और हाफ़ लाइफ एक तरह से वो टाइम होता है जिस पे कि इनिशियल जो रेट इनिशियल जो रिएक्टन की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ हो जाती है उसकी इनिशियल वैल्यू के मतलब क्या हो गया कि हाफ़ लाइफ इज द टाइम व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ठीक है अब हम यहाँ पर समझते हैं इसका हमने एक्सप्रेशन डिराइव करना है टी हाफ की वैल्यू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका जो फॉर्मूला आएगा वो उससे कई न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो गए ओके नाउ एज द डेफिनेशन सेज वेन टाइम इज इक्वल टू टी हाफ टाइम इक्वल टू टी हाफ कब होगा हम कब टाइम को हाफ लाइफ या फिर टी हाफ़ कहेंगे जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब कॉन्सेंट्रेशन जो रिमेनिंग है वो कितनी रह जाएगी ए नॉट डिवाइडेड बाई टू ठीक है जब हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी इनिशियल कॉन्सनट्रेशन की हाफ रह जाएगी अब यहाँ पर ए नॉट क्या है ए नॉट पता होना चाहिए आपको ए नॉट इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ द इनिशियल कॉन्सनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट ठीक है ए और सपोज़ हम क्या कर रहे हैं सपोज फॉर रिएक्शन, फॉर रिएक्शन ठीक है फॉर रिएक्शन ए टू बी हम ये रिएक्शन ले रहे हैं इसके लिए जो भी ए नॉट एंड ई ए टी आएगा वो हमने यहाँ पर लिख दिया ओके नाउ ए नॉट इज दिस व्हाट इज़ ए टी ए टी होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ठीक है कि लेफ्ट बिहाइंड कितनी कॉन्सेंट्रेशन रह गई आफ्टर टाइम जो भी आपको गिवन है रिमेनिंग जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ठीक है ऑफ रिएक्टेंट ए तो यहाँ पर ए ए टू बी रिएक्शन के लिए आपने t इक्वल्स टू दिस करोगे एंड दिस इक्वल्स टू ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो इनिशियल थी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू किसकी इनिशियल जो आपका रिएक्टेंट था वो कितना हो गया हाफ हो गया ठीक है जैसे फॉर दिस आपने यहाँ से भी समझ लो जैसे हम ऑफन लिखते हैं इसको टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो जब रिएक्शन आपकी स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या है इसकी वैल्यू है ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टन ए नॉट है और बी आपका नहीं बना तो इसमें बी आपका ज़ीरो आ जाएगा जब टाइम आपका इक्वल्स टू टी हो जाएगा सम टाइम हो जाएगा उसके बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ बचेगी तो रिमेनिंग दैट कॉन्सेंट्रेशन हम ए टी से डिनोट करते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम तक जितनी बच गई तभी इसे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आपकी सम वैल्यू आएगी बी की जैसे कि आपकी यहाँ पर एक्स आ जाएगा और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए नॉट माइनस एक्स बल्कि हमें यहाँ पे अभी ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमने सिर्फ ये देखना है अभी कि यहाँ पे ए को क्या कहते थे वो हमने यहाँ पर लिख लिया ए एंड ए हम अभी इससे कंसर्न है अब लिखे कि हम नाउ अब डिराइव करना है एक्सप्रेशन टी हाफ का फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सो वी नीड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फ़ॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नाउ इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड ठीक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन रेट इक्वेशन इक्वेशन फॉर किसके लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि आपने डिराइव कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में ठीक है ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हमने बहुत सारे फॉर्म करे हैं इंटीग्रेटेड के फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कौन सा लेंगे यहाँ पर हम लेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बिकॉज हमें सब वैल्यू निकालनी है तो हम कौन सा लेंगे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री ओके लॉग ए नॉट अपॉन ए टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी और ये लॉग कौन सा है बेस uh, 10 वाला है ए टी इज इक्वल टू के टी ठीक थी, है इज इक्वल टू के टी दिस इज़ व्हाट दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि हमने डिराइव करी हुई है नाउ पुटिंग द वैल्यूज हेयर नाउ पुटिंग द वैल्यूज कौन सी पुटिंग ठीक है नाउ पुटिंग द वैल्यूज वैल्यूज़ ऑफ टी एंड टी एंड ए टी हेयर जो आपने अभी यहाँ पर लिखी है मतलब अगर ये इक्वेशन वन दे दूँ मैं यहाँ पे तो मतलब वन से आपने जो भी इसका टी की वैल्यू एंड ए टी की वैल्यू लिखी है अकॉर्डिंग टू द हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग वो आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में आपने पुट करनी है दिस इज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स में भी आपने यही वाली यूज़ करनी है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके नाउ आफ्टर पुटिंग आपके पास क्या आ जाएगा आफ्टर पुटिंग देखो ध्यान से कि यहाँ पर टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री थ्री जीरो थ्री लॉग ऑफ बेस टेन बार बार नहीं लिखूंगी मैं ए नॉट एज इट इज़ ए टी की वैल्यू यहाँ पे ए नाट ए नॉट डिवाइडेड बाई टू पुट कर दी हमने ओके इज इक्वल टू के टी एंड के तो एज एट इज रहा इक के क्या है रेट कॉन्स्टेंट टी क्या है टाइम और टाइम यहाँ पे टी हाफ़ आपको लिखना है क्योंकि हाफ लाइफ की बारे में बात हो रही है टी हाफ़ लिख लिया हमने ओके okay? ना क्या हो जाएगा ये ए नॉट ए नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड टू रेसिप्रोकल में ऊपर चला जाएगा ठीक है तो आपके पास क्या आ गया टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग दिस इज लॉग एंड बेस यहाँ पे टेन है याद रखना एंड टू इज़ इक्वल टू के एंड टी हाफ अब यहाँ से दो आपके पास फॉर्मूला आएगी ठीक है दो फॉमूलाएँ यहाँ से आएगी दोनों इम्पॉर्टेंट है दोनों याद रखना ठीक है अब यहाँ पर फर्स्टली ये है कि फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि आप इसे सॉल्व कर दोगे ठीक है और लॉग के अगर आपको वैल्यू बोला जाए लॉग जो टेन होता है बेस टेन जो टू की वैल्यू होती है वो आपकी पॉइंट थ्री होती है डायरेक्टली लर्न कर लो लॉग जो बेस टेन आपकी थ्री की वैल्यू होती है वो पॉइंट फोर एट होती है ये दो वैल्यूज तो आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए ओके तो यहाँ पर लॉग बेस टेन है टू की वैल्यू कितनी पुट करोगे पॉइंट थ्री तो वही आ गया यहाँ पे टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री और इसकी वैल्यू पॉइंट थ्री डिवाइड में आपके पास क्या आ गया डिवाइड में आपके पास के आ गया और टी हाफ की आपकी वैल्यू ये निकली सो इसका मतलब टी हाफ की जो आपकी वैल्यू है वो आपके पास कितनी निकल रही है अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट पॉइंट सिक्स नाइन थ्री वैल्यूट ठीक है डिवाइडेड बाय के तो आपके पास एक एक्सप्रेशन मिल गया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ वैल्यू होती है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ज़्यादातर ये यूज़ होता है ठीक है और एक और फॉर्मूला बनता है ठीक है और दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो पर ज़्यादातर आपको लॉग की टर्म में जो लॉग आपने सॉल्व करा है उस वाला फार्मूला यूज़ होता है ना दूसरी चीज़ ये है कि हम लॉग को सॉल्व ना करें लॉग की जगह हम यहाँ पर इसको अलग से लिख के नेचुरल लॉग भी लिख सकते हैं देखो यहाँ पर ध्यान से देखो टू लॉग एक्स अगर कोई वैल्यू है और बेस उसमें टेन है ठीक है लॉग के लॉग लगा है एक्स में वो भी टेन वाला अगर उसको आप इंटू करते हो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हो किसके साथ 2.303 के साथ तो आपकी जो वैल्यू बनती है आपके पास वो नेचुरल लॉग में बन जाता है ठीक है इसका मतलब इसकी वैल्यू आपको क्या आएगी इसकी वैल्यू आएगी नेचुरल लॉग ठीक है नेचुरल लॉग x इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो आप देखो यहाँ पर कि आपको क्या करना है यहाँ आपको यहाँ पर अब एल एन एक्स आ गया तो इसका मतलब जहाँ जहाँ ये चीज़ है आपको वहाँ पे नेचुरल लॉग लगाना है वट इज़ दिस दिस इज़ द नेचुरल लॉग ठीक है दिस इज़ द नेचुरल लॉग वैल्यू ठीक है नेचुरल लॉग होता है एल एन एक्स या फिर लॉग बेस में आपका ई e लिखा आएगा वो सेम थिंग है तो आपने ये क्या करा अब इसको मॉडिफाई कर दिया दैट मीन्स ये जो पूरी टर्म है ये आपकी क्या बन जाएगी दिस विल बी एल एन नेचुरल लॉग ऑफ़ टू ठीक है नेचुरल लॉग ऑफ टू और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ नीचे के आ जाएगा और इसका मतलब टी हाफ़ आपका ये भी हो जाएगा ठीक है टी हाफ की एक और आप आपका फॉर्मूला आ गया इनफैक्ट ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है पर फिर भी आपका आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए डी हाफ ये भी हो सकता है अब इसको सॉल्व करोगे अगर तो आपके पास वही आना है बट दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और ये ज़्यादा यूज़ होता है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ठीक है इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है दोनों फार्मूला याद होने चाहिए तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला जो इसका कंक्लूजन है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन इज़ दैट कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ठीक है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है उसके लिए जो टी हाफ है टी हाफ मतलब हाफ लाइफ है टी हाफ इज इज इंडिपेंडेंट 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 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ठीक है आ रहा समझ आपको क्या बोला मैंने रिएक्टेंट देखो यहाँ पर जो टी हाफ का फॉर्मूला है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसमें कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की नहीं है इनफैक्ट रिएक्टेंट का ही जिक्र नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो जाता है कि जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास आएगी तो उसमें जो हाफ़ लाइफ है उसकी वो इंडिपेंडेंट होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के उसको कोई लेना देना नहीं होता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्या है ऑन द अदर हैंड जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ निकल रहा था उसमें क्या था उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही थी वैल्यू टी, टी हाफ की वैल्यू जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिपेंड कर रही थी क्योंकि उसके फॉर्मूला में ए नॉट आ रहा था ओके okay? तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि हाफ़ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसकी वैल्यू ये है ज़्यादातर आपकी ये यूज़ होती है ये भी आपको याद रखना है कि ये दोनों सेम ही वैल्यू है सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के जो ग्राफ्स है उसके बारे में सभी ग्राफ्स बना के देखेंगे सो थैंक यू सो मच कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा